वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर वन विथ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो हियर इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड जर्नल एंट्री। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ब्रोट रुपीज 50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस। बिजनेस में कैश आई और बिजनेस स्टार्ट किया, तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश इज असेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ थ्री कॉलम्स, वन फॉर असेट, अनदर फॉर कैपिटल एंड थर्ड वन फॉर लायबिलिटी। सबसे पहले हमें लिखना है ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ जो हमारी जर्नल है उसके बेसिस पे हमें लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या हुई, बिजनेस में कैपिटल आई और कैश भी आई, सो असेट कैश इज असेट, सो कैश यहाँ पर लिखना है 50,000। फिर कैपिटल, कैपिटल यहाँ पर लिखना है 50,000 और लायबिलिटी कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो हो गया। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल, टोटल टैली हो रहा है 50,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस जीरो इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज ऑफ 4 rupees 10,000, फर्नीचर कैश में परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन जो कैश हमारे पास है वो वापस से यहाँ पे लिखनी है, कैश 50,000, अब बिजनेस में से कैश गई, फर्नीचर परचेज किया तो 10,000 कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स व्हाई 10,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश बिकॉज ऑफ फर्नीचर ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर। So 50,000 cash minus 10,000 is equals to now the balance of the cash is 40,000, right? Now अब furniture is also an asset, furniture भी asset है, fixed asset, so furniture लिखना है amount 10,000, अब asset का total वापस से हो गया 50,000, there is a no change in capital and liability, so यहाँ पे 50,000 एंड जीरो टोटल टैली हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक असेट डिक्रीज हुई तो दूसरी असेट इंक्रीज हुई। थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स फॉर ₹12,000 परचेज इन कैश, परचेज किया लेकिन कैश में, सो इसकी इफेक्ट क्या होगी, परचेज इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे गुड्स इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज, अगेन कैश से परचेज किया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, अगर हम लिख लें तो कैश, अब हमारे पास कैश की बैलेंस है 40,000, उसमें से परचेज की 12,000 की माइनस परचेज, कैश कितनी गई हमारे पास से 12,000 कैश गई, अब हमारे पास कैश बची है 28,000 की। फर्नीचर तो हमारे पास है ही वर्थ ₹10,000 का, और परचेज की तो हमारे पास क्या हुआ, स्टॉक आया, गुड्स का स्टॉक हमारे पास आया, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक कितने अमाउंट का 12,000, अगेन टोटल कितना हो गया 50,000 हो गया। सेम डिरेक्शन में जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, एक असेट डिक्रीज हो रही है तो दूसरी असेट इंक्रीज हो रही है, with the no change in capital, again capital is 50,000 and liability is zero, ho gaya tally, asset 50,000, capital 50,000, liability zero, asset is equals to capital plus liability, to is tarah se sare jo equation ke hisab se transaction journal entry isme record karni hai, ab isme jagah nahi hai, aap page number 93 ke upar dekhte jao। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स फॉर ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम बी,
यहाँ पे जर्नल होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी इज अ क्रेडिटर राइट। सो परचेज अकाउंट डेबिट, एक तो जितना हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक था हमारे पास 12,000 का, अब और हमने परचेज की तो स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज विद द अमाउंट 8,000। सो यहाँ पे स्टॉक जितना है 12,000 प्लस परचेज 8,000, अब हमारे पास असेट की कॉलम में स्टॉक हो गया 20,000। अब बी के पास से परचेज की है, बी इज अ क्रेडिटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड्स इन लायबिलिटी, हमारी क्या है उसके ऊपर लायबिलिटी की हमें उसको पेमेंट करना है, तो ये बी का अकाउंट जो है वो जाएगा लायबिलिटी में। सो यहाँ पे 8,000 इज एडेड टू स्टॉक एंड 8,000 इज रिटर्न डाउन इन द कॉलम ऑफ लायबिलिटी, इसमें लिखा जाएगा लायबिलिटी इन ब्रैकेट बी द अमाउंट इज 8,000। सो यहाँ पे असेट वाले कॉलम में अब टोटल हो जाएगा, एक तो 28,000 जो है कैश पहले से, 10,000 है फर्नीचर, और स्टॉक अब हो गया 12,000 प्लस 8,000 ऐड हो गया उसमें तो 20,000 हो गया स्टॉक। नाउ द टोटल ऑफ द असेट साइड इज 58,000 राइट, इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ अनदर गुड्स वर्थ रुपीज 8,000। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 58,000, कैपिटल तो ऑलरेडी 50,000 की हमारे पास है, अब लायबिलिटी कितनी ऐड हो गई 8,000 क्योंकि बी का अकाउंट यहाँ पे आ गया। तो अब टोटल टेली हो रहा है यहाँ पे 58,000, यहाँ पे 50,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 58,000। तो इस तरह से सारे रिकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद है गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। अब 7,000 के गुड्स जो है वो 10,000 में सेल किए, 3,000 क्या हो गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जाएगा कैपिटल वाली कॉलम में, इसमें जाएगा प्रॉफिट कैपिटल वाले कॉलम में 3,000, कैपिटल में प्लस करेंगे सेल ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल। फिर 7,000 के गुड्स बिजनेस में से गए तो स्टॉक जो है हमारे पास उसमें से माइनस हो जाएगा 7,000, स्टॉक हमारे पास था 28,000 का, सॉरी 20,000 का, उसमें से माइनस करेंगे 7,000 जो हमने सेल कर दिया, और जो 10,000 है उसका कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेंगे हम उसमें से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगेन कैश 28,000, फिर 28,000 में जो है 10,000 हमें कैश मिली तो उसमें कैश में 10,000 होगा प्लस, फिर स्टॉक में से 7,000 होगा माइनस और प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। अगेन टोटल टेली हो रहा है 61,000 असेट, 53,000 कैपिटल एंड 8,000 लायबिलिटी। उसके बाद है 6,000 पेड फॉर वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वेजेस ये जो है वो है एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम कैश, कैश में से वेजेस किया है माइनस, अब हमारे पास कैश है 32,000, स्टॉक एज इट इज 13,000, फर्नीचर एज इट इज, फिर कैपिटल 3,000 की कैपिटल हमारे पास थी उसमें से क्या किया वेजेस पे किया, सो इतनी कैपिटल हमारी क्या हो गई डिक्रीज। सो वेजेस में से कैपिटल में से 6,000 वेजेस माइनस एंड लायबिलिटी एज इट इज, अगेन टोटल टैली हो रहा है 55,000 इज इक्वल्स टू 47,000 प्लस 8,000। नेक्स्ट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो हमारे लिए होती है लायबिलिटी, सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एडिंग टू द लायबिलिटी, तो अगेन 55,000 इज इक्वल टू 46,000 प्लस 9,000। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड उसके बाद का जो इलस्ट्रेशन है उसके बाद की जो भी सम है इलस्ट्रेशन नंबर 2 उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो इसको आप घर पे रिवाइज कीजिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास कितनी असेट है, फिर कैपिटल हमारे पास आई उसमें से हमने कितना यूज किया और हमारी लायबिलिटी कितनी है, उसकी सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेटमेंट में सारी करनी होती है। एक भी ट्रांजेक्शन के बाद अब हमारे पास कितना बचा
दूसरा ट्रांजिशन किया, इसमें से कितना यूज किया, ये सारे जो कैलकुलेशन है वो इसमें होती है इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप घर पे रिवाइज करते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।